गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है पैनासोनिक 32 इंच एलईडी टीवी का मदरबोर्ड, जिसको मैं रिपेयर करूंगा और इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको अभी चेक कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस मदरबोर्ड को अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। ये मदरबोर्ड पैनासोनिक 32 इंच एलईडी टीवी में लगा हुआ है, जो कि बहुत ही कॉमन मदरबोर्ड है और ये बहुत से मदरबोर्ड जो है हमारे सामने रिपेयर होने के लिए आते रहते हैं। तो ये मदरबोर्ड जो है मेरे पास एक टेक्नीशियन लेकर आया है, जो कि एक टीवी टेक्नीशियन है। तो इस मदरबोर्ड में जो उन्होंने प्रॉब्लम बताया है वो है नो इंडिकेटर प्रॉब्लम। तो अब हम इस मदरबोर्ड में पावर देकर देखेंगे और चेक करेंगे इसमें नो इंडिकेटर प्रॉब्लम है या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो उससे पहले मैं इसके नीचे एक शीट को रख लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं लगाता हूँ इसके इंडिकेटर को। तो इंडिकेटर को लगाने के बाद हम फिर पावर केबल को लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इंडिकेटर को लगा दिया है, अब लगाते हैं पावर केबल को। तो मैंने पावर केबल को जैक में लगा दिया है, अब मैं पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा देता हूँ और आप इंडिकेटर देखिए। यहाँ पर मैं पावर केबल को लगा चुका हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं आया है। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एसी वोल्ट को चेक कराऊँगा। मैं डिजिटल मल्टीमीटर को रखता हूँ यहाँ पर और अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ और डिजिटल मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से एंगल में रखता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यहाँ पर मैं कैमरा एंगल को भी थोड़ा चेंज करता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब लगाते हैं इस डिजिटल मल्टीमीटर को एसी रेंज पर, यानी एसी 750 वोल्ट तक हम चेक करेंगे, क्योंकि मैंने पावर केबल को डायरेक्ट पावर बोर्ड में लगाया हुआ है। तो मैं आपको पावर को चेक कराऊँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सीधा डीसी रेंज पर इसको लगाते हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट कैपेसिटर पर वोल्टेज को चेक कराऊंगा जो कि 300 प्लस होता है। तो यहाँ पर इसको करते हैं डीसी रेंज पर जो कि 1000 वोल्ट होता है। और आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखें, आप देख पा रहे हैं 355 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मैं लाइट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 355 वोल्ट कैपेसिटर पर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है, यानी एसी सप्लाई सेक्शन में हमारे जो है वोल्टेज ओके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डीसी वोल्टेज को चेक करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15.7 वोल्ट जो कि डीसी वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं और यहाँ पर आया 40.8 वोल्ट जो कि दोनों डीसी वोल्टेज बिल्कुल ओके है। यहाँ पर मैं कैमरा एंगल को चेंज करता हूँ और दूसरी साइड से मैं आपको सभी डीसी वोल्ट को चेक कराऊंगा जो कि सभी रेगुलेटर आईसी पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैमरा एंगल को चेंज कर लिया है। अब रखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को, और डिजिटल मल्टीमीटर को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो आप अब यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी वोल्टेज मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को अच्छे से सही एंगल में रख लिया है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक प्रोब को करता हूँ ग्राउंड और सबसे पहले हम 1.8 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी के वोल्टेज को चेक करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1.8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी पर बिल्कुल ओके आ रही है। ऊपर वाली रेगुलेटर आईसी पर चेक करते हैं, यहाँ पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नीचे वाली रेगुलेटर आईसी है 1.8 वोल्ट, ऊपर वाली है 3.3 वोल्ट। तो अब इन दोनों रेगुलेटर आईसी के इनपुट वोल्टेज को चेक करते हैं, जो कि 5 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5.1 वोल्ट ओके, यहाँ पर भी 5.1 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब प्लस आईसी की पिन नंबर 8 पर चेक करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3.2 वोल्ट है जो कि बिल्कुल ओके है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ क्योंकि मेरे हाथ की वजह से आप देख नहीं पाए। आप देख पा रहे हैं पिन नंबर 8 3.2 वोल्ट जो कि बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं एक और रेगुलेटर आईसी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं 4.5 वोल्ट ओके, और आउटपुट को चेक करते हैं। आउटपुट है यहाँ पर आउटपुट जो है 0.3 वोल्ट है जो कि कुछ भी नहीं है। आप दोबारा देखिए इनपुट वोल्टेज 4.6 वोल्ट, 4.5 वोल्ट और आउटपुट 0.23 वोल्ट। तो यहाँ पर जो है 1.8 वोल्ट आना चाहिए जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये रेगुलेटर आईसी ख़राब है। तो हम इस रेगुलेटर आईसी को SMD
मशीन के माध्यम से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटर आईसी पर लगाते हैं पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद हम असेंबली मशीन से इसको हिट करके बाहर निकालते हैं। तो किस तरीके से बाहर निकालना है आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हिट करना है और ट्वीजर से पकड़कर कुछ इस तरीके से उठाकर रख देना है। तो यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पर आप क्लीनिंग के लिए थिनर या फिर पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सामने अवेलेबल हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है वो रेगुलेटर आईसी जो कि 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर आईसी है, लेकिन ये रेगुलेटर आईसी मेरे पास न्यू भी अवेलेबल है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास सेम ही एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है जो कि पैनासोनिक का ही है, मैं इस बोर्ड में से इस रेगुलेटर आईसी को निकाल कर लगाऊँगा। आप देख पा रहे हैं ये ही वो सेम रेगुलेटर आईसी है जो कि 1.8 वोल्ट आउटपुट देती है। तो यहाँ पर मैं इस रेगुलेटर आईसी को असेंबली मशीन के माध्यम से बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद असेंबली मशीन के माध्यम से इसको डिसोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिसोल्डिंग करके इस आईसी को बाहर निकाल लिया है। तो इसको क्लीनिंग करके हम इस बोर्ड में लगाने वाले हैं। तो जहाँ पर रेगुलेटर आईसी को हमें लगाना है, सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन की मदद से वहाँ पर उन प्रिंट को ठीक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि वो रेगुलेटर आईसी अच्छे से बाद में असेंबली मशीन के माध्यम से लग जाए। आपको भी इसी तरीके से रेगुलेटर आईसी को लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको रेगुलेटर आईसी दिखाता हूँ क्लीन करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस रेगुलेटर आईसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका नंबर, इस पर नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस आईसी को लगाने से पहले इसके जो सिरे हैं उनको भी साफ़ कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो कुछ इस तरीके से सिरे साफ़ करने हैं पेस्ट लगाने के बाद, ताकि सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए। तो अब लगाते हैं इस रेगुलेटर आईसी को। तो यहाँ पर मैं इसको हिट करके लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लग चुकी है, क्लीन करते हैं। अब सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग करेंगे ताकि सोल्डर अच्छी तरह चिपक जाए। पलट कर रखते हैं बाकी के बचे तीनों सिरे। तीनों सिरों को मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है, और अभी मैं आपको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ मैंने आईसी को किस तरीके से लगाया है। यहाँ पर मैंने इसे क्लीन कर लिया है, और अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कुछ इसी तरीके से रेगुलेटर आईसी को लगाना है। तो अब मदरबोर्ड को पावर देकर देखेंगे। यहाँ पर लगाते हैं पावर केबल को, और पावर केबल को लगाएंगे पावर बोर्ड में। और आप यहाँ पर इंडिकेटर देखिएगा, मैं इंडिकेटर को सही से रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। आप इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं पावर केबल को लगा चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर ग्रीन कलर का जो यहाँ पर ब्लिंकिंग करके ऑन हो चुका है। अब डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज को, यहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं। तो सबसे पहले LVDS का जो जैक है वहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए, जो कि पैनल के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैमरा एंगल और डिजिटल मल्टीमीटर को अच्छे सेट कर दिया है, आप अच्छे से अभी देख पाएंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक प्रोब को करता हूँ ग्राउंड, और रेड प्रोब को यहाँ पर मैं जैक पर टच करता हूँ, जो कि 12 वोल्ट की पिन आउट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक भी वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना समय मुझे हो चुका है इतने समय में यह बोर्ड ब्लिंकिंग में चला गया होगा। यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंकिंग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर यह बोर्ड रेड लाइट ब्लिंकिंग में जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर ना ही मैंने पैनल लगाया है, ना ही कोई बैकलाइट को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से पावर केबल को हटाऊंगा। यहाँ पर बटन से भी काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से पावर केबल को हटाऊंगा और पावर केबल को लगा दे दोबारा पावर बोर्ड में। और यहाँ पर आप दोबारा से इंडिकेटर को देखें,
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंकिंग करके ऑन हो चुका है, और यहाँ पर ब्लैक प्रूफ किया मैंने ग्राउंड, और आप डिजिटल मल्टीमीटर को देखें यहाँ पर आ रहा है 12.1 वोल्ट। यहाँ पर मैं लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 12.1 वोल्ट, जो कि बिल्कुल ओके है, जो कि पैनल के लिए आ चुके हैं। रेगुलेटर आईसी पर है 1.8 वोल्ट आउटपुट। इनपुट को चेक करते हैं, 1.8 वोल्ट इनपुट है यहाँ पर, 4.4 वोल्ट, और आउटपुट है 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पर यह दोबारा से रेड लाइट ब्लिंकिंग में जा चुका है, तो यानी हमारा जो यह बोर्ड है, मदरबोर्ड है, बिल्कुल सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप पैनासोनिक 32 इंच LED TV के मदरबोर्ड की पावर सप्लाई ओके और नो इंडिकेटर प्रॉब्लम को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो समझ आया होगा।